दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि डीसी का शंट मोटर क्या होता है। डीसी इलेक्ट्रिकल का डीसी शंट मोटर क्या होता है। डीसी शंट मोटर होता है दोस्तों, जैसे जो बेल्ट कन्वेयर होता है, कोई भी पावर प्लांट में हो या कोई भी प्लांट में हो, जो बेल्ट कन्वेयर होता है, जो बॉक्स कैरी करके बॉक्स कैरी करता है, या कोई भी सामान या कोल पावर प्लांट में कोल जो सप्लाई करके जो कोल को कैरी करके लेके जाता है, वो हम लोग कोई भी चीज़ कैरी करके अगर ले जाता है, उसको हम लोग बेल्ट कन्वेयर से लेके जाता है दोस्तों। तो ये जो बेल्ट कन्वेयर में हम लोग ये जो शंट मोटर है हम लोग यूज़ करता है। ये शंट मोटर का प्रिंसिपल क्या रहता है दोस्तों, जैसे शंट मोटर में कैसा हो गया, ये डीसी सप्लाई से तो चलता है दोस्तों, ये डीसी सप्लाई से चलता है दोस्तों जो शंट मोटर होता है। इसको हम लोग शंट मोटर क्यों कहते हैं, ये जो शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग होता है और इसका जो फील्ड वाइंडिंग रहता है और इसका जो आर्मेचर वाइंडिंग रहता है, शंट वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं हम लोग, जो स्टेटर रहता है उसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग किसको कहते हैं, जो रोटर है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। जब ये दोनों फील्ड का करंट या वोल्टेज पैरालल से कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है, तो जब पैरालली कनेक्टेड होता है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरालली जब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, तब इसको हम लोग शंट मोटर कहते हैं दोस्तों। जब कोई ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी है कि जब कोई इलेक्ट्रिकल पैरालली कनेक्टेड हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड हो जाए, तब उसको हम लोग शंट मोटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। डीसी शंट मोटर जो है बेल्ट कन्वेयर भी यूज़ किया जाता है दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर में ये यूज़ किया जाता है दोस्तों। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो डीसी शंट मोटर होता है दोस्तों, इसका जो टॉर्क स्पीड रहता है बहुत स्टेडी रहता है, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है दोस्तों। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखने का कि डीसी जो शंट मोटर जो होता है, इसका जो टॉर्क स्पीड होता है बहुत ही स्टेडी होता है, बहुत ही कांस्टेंट होता है, और इसको कोई भी अगर लोड में अगर कम ज़्यादा होता है तो ये स्टेडी स्टेडी से चलता है, मतलब कांस्टेंट चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर कोई लोड कम हो गया ज़्यादा हो गया तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, तो ये बिल्कुल ये मोटर आराम से चलता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल स्टेडी होके चलता है, ये जो मोटर कांस्टेंट स्पीड से चलता है, इसका टॉर्क स्पीड जो है स्टेडी है और कांस्टेंट भी है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ नया उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।